guys, welcome to Rimorav Vlog. आज हम लोग आ चुके हैं कोर्ट में एक कटघरे में। वो एक ऐसा चैलेंज है जो नया नया ट्रेंडिंग हो रहा है और अगर कोई लोग वीडियो बाद में देख रहे हैं तो तब हो रहा है। ट्रेंड नहीं हो रहा है, हम इसे ट्रेंड करेंगे। यार ये लटक क्यों रहा है? क्योंकि हमारा फिटिंग हुआ। बजट बजट मेरी हेल्प कर। अगर ये गिरा गाइस, अगर ये गिरा तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं बॉस चैलेंज। So guys, ये जो पहली टर्न है ये बड़ी सिंपल सी है। आपने बैड जोक्स देखा ये वाला? नहीं तो देखो, देखा है तो फिर अच्छी बात है। देखो हाँ, तो उसी टाइप का ये भी है, लेकिन इसमें हमें दिया जाएगा एक बक्सा। उस बक्से में एक ऐसी बाजी थी, बॉक्स नाम बॉक्स है तो बक्सा क्यों? बक्सा चैलेंज बॉक्स। सो वो जो है मैंने उसमें क्या किया? स्टेट हो गया, स्टेट हो गया। ओके छोड़ दो, ये सुनो सुनो कुछ बोल रहे हैं प्रोफेसर। हां प्लीज बोलो प्रोफेसर। तो ये जो डब्बा है, उस डब्बे में से कुछ ऐसी चीज निकलेगी देसी घी। यार चुप रहो ना तुम। निकल सकता है देसी घी भी? निकल सकता है यार, डब्बे से निकलता है। बजट मेरे से लिया गया, देसी घी जितना बजट नहीं। क्यों लिया गया बजट? क्योंकि तुम देते नहीं। चुप रहो गाइस। तो एक एक डब्बे आएंगे, उसमें ऐसी चीजें होंगी। अब सामने वाला जो बंदा है या फिर इधर वाला जो बंदा है उसको गैस करना, ये सच है कि झूठ है। बेसिकली ब्लफ करेंगे। ब्लफ ब्लफ। लाओ भाई पत्ते पत्ते लाओ। सो गाइस मेरी बारी है पहली। क्यों? क्योंकि मेरी है। ओके क्या है? मैं सॉरी आई एम ओवर एक्साइटेड। बाजी कभी आपने यहाँ पे दर्द सही है? नहीं सो फिर नहीं मेरे भाई। तब ओके रेडी मोइना? रेडी रेडी। So, मोइना अब आपको बताना है सच है कि झूठ है, अपने थम्स अप और थम्स डाउन से। मेरे हाथ में है एक गिफ्ट का डब्बा, एक गिफ्ट, और जिसके ऊपर बना है दिल। जिसके ऊपर बना है दिल, गिफ्ट के ऊपर दिल। अब आप बताओ ये सच है कि झूठ? गिफ्ट का और एक्सप्लेन करिए। बस इतना ही है, ये कोई हम क्या हिस्ट्री का क्वेश्चन है 20 मार्क का और पूरा एक्सप्लेन करें। इसका कलर क्या है? इसका कलर सिल्वर। पिंक। यार तू गेम खेल रहा है यार। यही तो पता है दोनों। तुम तो सबसे बड़े चीटर हो यार। चुप कर सॉरी बैठ जा। इसका कलर है पिंक और ये ऊपर से है रेड। तो क्या ये सच लगता है? मुझे लगता है कि ये सच है। बोलो तो सही यार, पहले लेवल में ऐसी शुरुआत कर रहा हूँ। ये सच कंफर्म लगता है? ये 3, 2, 1 आई शो से यस और नो? यस। आ नो। ओह ये थोड़ा दूर जाओ। हाँ ऐसे रहो। हाँ नीचे। ओके गाइस नहीं ऋषि, नो नो प्लेइंग विद हिम। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कोई इनपुट ही नहीं है आज। 1 सेकंड सॉरी, ये चीजें बताएगी कैसे लड़की? ऑलराइट ऋषि, मैं आज कर क्या रहा? मेरे पास है एक एक येलो कलर का बैग विथ रेस्बेरी विथ आईज विच आर विंकिंग, मतलब आंख मार रही है। येलो कलर बैग विथ आईज विच आर विंकिंग। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो बोलो ना। बोलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपकी ये जो चीज है, वस्तु है, ये कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? ज्यादा बड़ी नहीं है, मेरे हाथ जितनी बड़ी है। जितनी? पंजाबी बोलने की कोशिश ना कर। मेरे हाथ से भी छोटी है शायद। ओह लगता है 1 साल की है। हंसने के लिए माइक नहीं लाऊं कुछ बोल रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपको समझ में भी आ रहा है कुछ? मुझे लगता है ये सच है। पक्का? तो आपको थम्स अप दिखाना या थम्स डाउन? ये सच है गाइस, क्योंकि मैडम
जब झूठ बोलती ना इसकी या तो ये चीज फड़फड़ाती है या ये यार ये बहुत क्यूट बाजी मुंह में डाल दो मेरे भाई यार एक तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कुछ तो करूँ आज खड़ा हुआ सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मोइना थैंक यू गाइस ये भी मुझे मिल गया अच्छा तो हम लोग नया रूल इन्वेंट कर दिया है हमने यहाँ पे जो सही गेस करेगा वो आइटम उसका हो जाएगा नहीं हाँ जो सही गेस करेगा उसका सारा आइटम मेरा हो जाएगा नहीं नहीं मैं लूंगा अगर मैंने सही गेस क्यूट चीज है यार सो गाइस तू लाइए ना आई लव इट मेरे सामने कौन आएगा हां ठीक है मैं हूं आ रहा हूं ना मैं आ जा तो गाइस आ चुका है रव के लिए बक्सा बक्सा किस मेरे लिए आया बक्सा अरे लेकिन रव के लिए है ना वो मैं गेस करूंगा ओके ऋषि देव आर यू रेडी टू ओपन योर बक्सा यस रेडी जल्दी जल्दी यार मैं इतना सस्पेंस में नहीं रहता ही डज नॉट हैव टाइम आई डोंट हैव टाइम आई हैव टू गो फॉर माय शूट पाजी ये लो फटाफट इससे बड़ा सूट करेगा हां इससे बड़ा सूट पाजी ये है एक बनाना जिसके ऊपर लगा है हेडफोन्स ये ऐसे लगता है सर लाइव क्योंकि तेरी नाक ऐसे ऐसे हिलने लगती है जब तू झूठ बोलता है इंटेंशन अंदर से लगा ऐसा तुम्हें क्यों लगा ये लाइव क्योंकि एक बनाना वो हेडफोन लगाएगा क्यों सुन तो आप थोड़ा अपने साइड पे रहेंगे वो तो सुन तो आप बहुत उचक के उधर वो सुन नहीं सकता है तो हेडफोन वो लगाते हैं जिनको लाउड सुनना होता है बनाने को कोई लेना देना नहीं वो तो खा पी के मस्त रहता है सो गाइस सो थम्स डाउन बेसिकली बेसिकली नो एवरी नेचुरली थम्स डाउन नेचुरली थम्स डाउन वाकई से इसे कहते हैं गट फीलिंग इस इंसान को मैं इतने अच्छे से जानता हूँ सो दीक्षा प्लीज ले आए बक्सा ये बक्सा है यानी कि री गेस करेंगे कि रव सही बोल रहा है कि गलत लेकिन आंखें बंद आंखें बंद आंखें बंद चाहता हूँ चलो आंखें बंद करो ठीक है आंखें बंद करो फिर ये रखा है क्यों बीच में लेकिन ये आदमी बहुत चालू है आंख खोल लेगा तुम पीछे जाओ तुम आंखें मत बंद करो तुम बेंडी करो नहीं नहीं ये क्या पता और कितना नीचे हो हाँ, नहीं दिख रहा है हाँ. आगे से क्रू को कहा जाता है कि वो टेबल टूबल का जुगाड़ के साथ चेयर भी करें ओके गौरव समझाएं समझाते हैं मेरे पास है एक पंच है पंच ओके एक घूसा घूसा बॉक्सिंग वाला उसके ऊपर लिखा है हिट लाइक हिट लाइक वो तो है ही उसके ऊपर लिखा है हिट माइक तो ला बोलने के लिए उनको लग रहा तड़प रहा है हां अभी को लग रहा है मैं ये कह रहा हूं वो कौन से कलर का है वो है जी अबे माइक तो दे उसको सिल्वर कलर का सिल्वर का और क्या लिखा है उसके ऊपर हिट हिट कौन से कलर का है हिट लिखा है ब्लैक कलर का ही सेइंग राइट मेरे को बहुत अच्छा लगा ये गॉरी वाओ दिस वाज सो फनी मो और रव में से सबसे ज्यादा दिमाग रव के पास है इसमें पता लगता है आइटम सही बताया बट थोड़े से मॉडिफिकेशन ये क्या था मतलब ये क्या था री और मो से ज्यादा मेरा री और मो की बेइज्जती थी क्योंकि पहली बार किसी ने बढ़त हासिल की है आप दोनों 1-1 पे हो और मैं 2 पे आ चुका हूँ मैंने घमंड भर गया घमंड सो गाइस अब है बारी मोरव की जिसमें अबे रुक तो जा आके तू अभी हाँ अब खोल सकते हैं अब है बारी इन दोनों की मैं लूजर बन चुका हूँ लेकिन लगता है मैं पिछले में जीता आया तो इसमें चलो लूजर ओके गाइस मेरे पास बक्सा आ चुका है एंड आर यू रेडी यस आई एम रेडी आई एम आल्सो ट्राइंग टू बी रेडी ओके लेट्स गो तो मोइना बताएं ओके गौरव ये एक सॉफ्ट टॉय है और ये है बिल्ली का सॉफ्ट टॉय बस कलर क्या है इसका कलर है येलो लाए इतना जल्दी कैसे इसने लाए लाए ये लाया है मुझे लगता है चीजें आई एम श्योर आई एम श्योर क्यों क्यों ऐसा क्यों लगा ये पहले नीचे रखे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा ऐसे क्या थोड़ा सपोर्ट मिलता है गट फीलिंग अंदर की वाइब्स वेट वाइब्स वेट वाइब्स आर यू श्योर सही भी हो सकती गलत भी हो सकती बट आई एम गोइंग विद द लाए इट्स अ लाए सो विनर एज इट इज हमारे गौरव आइटम जीत लिया कितना सही हूं मैं आप दोनों को ऑब्जर्व करने में पता है हां यार तो पकड़ लेता है सो गाइस अब है बारी मोइना के गेस करने की सो लेट्स सी मोइना आंखें बंद प्लीज और लाई जाए आइटम और कैमरा में दिखाई जाए आइटम ओके अबे ये है क्या इसे बताओ और गौरव एक्सप्लेन कर दिया मोइना एक ये क्रोकोडाइल है ग्रीन कलर का ओके और पूछो इसको मैं इससे ज्यादा डिस्क्राइब कर नहीं पा रहा हूँ क्या बोलो सच है कि झूठ है ये बताओ और पूछो क्या लगा रहा है
सच है, द वे ही सेड इट वाज वेरी जेन्युइन एंड स्वीट, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो. सो गौरव का ये एक क्रोकोडाइल मेरा हुआ, ये हेयर ब्रश मेरा हुआ, ये माय फेवरेट पंचिंग, और ये कैट भी मेरी हुई. अगर आप लोगों को चाहिए तो बोलियां लगाऊंगा मैं अपने इंस्टाग्राम पे, प्लीज हमें फॉलो करें. यहाँ नीचे आ गया है gaurav.wadhwa.90 ऑफिशियल ऋषिदेव. और पहले आप लोग मुझे बताओ कि इतना बुरी तरह कैसे हार सकता है. ऐसे मतलब मैंने आप दोनों का सही आइटम गेस भी किया और आप दोनों को गलत पकड़वा भी दिया, ऐसा कैसे? या तो मुझे लगता है इसने वो डब्बा देख लिया जिसमें सब सामान था. मैं क्यों चीटिंग करूंगा? मुझे भी लग रहा है वो पैकेट जाकर देख लिया. और हम कितने ऑनेस्ट थे ना, हम कभी नहीं गए पैकेट. मैं सच बता देता हूँ आपको, मैं जब यहाँ आज आया था मुझे कोई आइडिया नहीं था. मैंने इनसे पूछा था क्या करने वाले, क्या चैलेंज है. पहली बार एक चैलेंज में मुझे लगता है कि तू आउट एंड आउट विनर है. पनिशमेंट क्यों मिल रही है फिर मुझे? So guys, thank you so much for watching Rimorav. अरे thank you so much क्यों भाई, पनिशमेंट कहाँ जाएगी यार? तो बताओ क्या? अभी तो हम जीते हैं. आप जैसे कि ये स्प्लिट पर्सनालिटीज का खेल था, आपको आप हाँ स्प्लिट मतलब स्प्लिट था ना बीच में. अच्छा, मैंने सुना हमेशा साथ में है स्प्लिट पर्सनालिटी, तो मैंने थोड़ा साथ में बोला. अच्छा, तो आप लोगों को आप दोनों सामने ही खड़े रहना. ओके, मैं इधर उधर हो जाऊंगा. ओके ठीक है, इन प्रॉप्स को यूज करना है और एक दूसरे से बातें करनी, कहानियां बनानी है. कैसे भी आप यूज कर सकते हो, यूज करना है फनी वे में. प्लस अगर री कर रहा है तो मो इन्वॉल्व होनी चाहिए, मो कर रहा है तो री इन्वॉल्व. रेडी? तो आपकी पनिशमेंट शुरू होती है. ये सब भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, वेरी फनी. तुम हमें बताते जो हम क्या हैं. नहीं नहीं नहीं, वो हम खुद हम क्या हैं आपको अब तक नहीं पता लगा, आपकी शादी है अभी. 3-2-1 स्टार्ट. पापा पापा मैं जा रही हूँ स्कूल. और कितने चली है गोभी का फूल बन के, कितने चली है गोभी का फूल बन के, तू अपना टिफिन ले जा. पापा मैं टिफिन ले जाऊंगी बट मुझे गोभी का फूल मत बुलाओ, लगता है बच्ची बुड्ढी है. पापा क्या मैं इसे ले जाऊं? नहीं पुत्र, ये तुम्हारे चाचा जी हैं. चाचा जी मेरी चाचा जी बिल्ली है. नहीं बकड़ मिला, बात करते हैं उन चाचा जी से. बात चाचा जी हमेशा लेटे क्यों रहते हैं? क्योंकि चाचा जी को लगता है स्विमिंग पूल में पानी भर गया है, वो हमेशा ऐसे रहते हैं. अरे हमारे चाचा जी हैं, इन्होंने तो मुझे कल रात को काटा था यहाँ पे. चाचा जी कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? और मैंने कब काटा था बता दो मुझको, मैंने कब काटा. रहो मेरा नमस्कार अमित जी, मम्मी और भाई मैंने कब काटा इसे. पापा मुझे लगता है आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इससे आप इनको मार दीजिएगा अगर ये आपको काटेंगे तो, और इससे आप इनको भूसा मार के ऐसे ऐसे. चाचा के बाल बिगड़ गए. मुझे बाल मैं जा रही हूँ, बाय. जाने से पहले 3-2-1 सब्सक्राइब का बटन. रुक जाओ, मेरे को लाइक मांगनी है. गाइस सब्सक्राइब का बटन, गाइस देखो इसकी पीठ के ऊपर सब्सक्राइब का बटन आ चुका है. और गाइस आज जाने से पहले कितने लाइक्स चालने लगे? आई थिंक इस वीडियो को कम से कम, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है, तो इस वीडियो को कम से कम 2,84,000 ओके. क्या आप लोग ये लाइक्स देंगे? यस. ओके गाइस, सो जाने से पहले 3-2-1 लाइक शेयर सब्सक्राइब गो. 5-6-7-8 Rimorav. पहले भी जब हमारी फनी कौन सा अच्छा हुई तो अपनी अपनी चीजें. ओके बाय, मैं तेरे ले लिए ये. हम साया.